और ये इसका होम पेज है, यहाँ पे स्लाइड्स है। मैंने ये BRT पेशावर क्यों बनाई है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ट्रांस पेशावर की वेबसाइट है वो उन्होंने अपने लिए बनाई है, जबकि मैंने ये BRT पेशावर की वेबसाइट तमाम लोगों के लिए बनाई है। मेरी वेबसाइट में क्लियर लिखा हुआ है कि कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है स्टेशन में और कौन सी अवेलेबल नहीं है। आप किसी भी स्टेशन के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से स्टेशन फैसिलिटीज़ आप देख सकते हैं कौन सी अवेलेबल है और कौन सी नहीं है, और नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स देख सकते हैं, और स्टेशन टाइप भी देख सकते हैं कि स्टेशन टाइप कैसा है, और आप इस स्टेशन को एक्सेस कैसे करेंगे। और ये आपको बताती है कि आपने कौन सी स्टेशन पर जाना है और आपकी बस कितने बजे आएगी, बस एक्सपेक्टेड टाइम, और आपको टाइमिंग ऑफ बसेस भी बताती है कि आपकी बस कितने बजे आएगी, और आपका डेस्टिनेशन स्टेशन क्या होगा। जैसे कि आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू, आप जाना चाहते हैं सदर बाज़ार, तो आपको ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, और ये आपका बता रहा है कि कौन सी डायरेक्शन से आप जाएंगे, ऐसे जाएंगे, और इसमें आपका कितना टाइम लगेगा और कितना डिस्टेंस होगा, और ये आपको आपकी लोकेशन से आपको डायरेक्शन भी बताती है कि आपने अपनी लोकेशन से कौन सी डेस्टिनेशन स्टेशन पे जाना है। आप अपनी मर्ज़ी के जिस भी स्टेशन पे आपने जाना है उसको आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, और यहाँ से आपने करना है डायरेक्शंस, और यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन स्टेशन आ जाएगा, यहाँ पे अपनी लोकेशन दे देंगे तो ये आपको आपके घर से आपकी डेस्टिनेशन स्टेशन तक पहुँचा देगी। इसमें आप फ़ोटो गैलरी भी देख सकते हैं और स्टेशन की फैसिलिटीज़ भी देख सकते हैं, और इसका वर्चुअल टूर भी देख सकते हैं, उसकी वीडियोस भी देख सकते हैं, और इसका पैनोरामा भी देख सकते हैं। और इसमें ये ज़ू पेशावर नेटवर्क मैप है, और इसमें तीन किस्म के स्टेशन हैं, मेजर बस स्टेशन, माइनर बस स्टेशन और बस स्टॉप्स। ये रेड कलर के मेजर बस स्टेशन है, येलो कलर के माइनर बस स्टेशन है, और ग्रीन कलर के बस स्टॉप्स। ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है और क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आप किसी भी स्टेशन की इमेज को देखने के लिए आप उस स्टेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उस स्टेशन की इमेज भी नज़र आ जाएगी, शोभा बाज़ार स्टेशन मरला। मैं सरदार गढ़ी पे क्लिक करता हूँ तो हमें ये वाला स्टेशन नज़र आ जाता है।